एशियल सर्जरी में कितना दर्द होता है और क्या वो दर्द सहन से बाहर होता है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है लोगों का, और कई लोग सिर्फ दर्द के डर से ही एशियल ऑपरेशन नहीं करवा पाते हैं। तो जो हमारे सेंसिटिव पेशेंट्स हैं उनके लिए मैंने एक वीडियो आज बनाया है, जिसमें कि मैं ये बताऊंगा कि अगर आप ऐसी एशियल सर्जरी चाहते हैं जिसमें बिल्कुल भी दर्द ना हो तो वो किस तरीके से हो सकती है। इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें बिना दर्द वाली एशियल सर्जरी के बारे में बताया गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव। मैं एक आर्थ्रोस्कोपी और स्पोर्ट्स इंजरी सर्जन हूं और स्कोपी क्लिनिक वाराणसी में प्रैक्टिस करता हूं और वहां का डायरेक्टर हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल पे हम लोग लिगामेंट रिलेटेड और स्पोर्ट्स इंजरी रिलेटेड जो आपकी क्वेरीज होती हैं उसके लिए नए नए वीडियोस बताते हैं, और जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं हमारे कमेंट्स में उसको देख करके हम नए नए वीडियोस बनाते हैं, जिससे कि आपको और मदद मिल सके और अपने इंजरी को और अपने ट्रीटमेंट को और बेहतर समझ सकें। तो एक जो डाउट बहुत कॉमनली हमसे पूछा जाता है कि एशियल सर्जरी होने में कितना दर्द होता है, क्या बहुत दर्द होता है, तो उस पर हमारा एक वीडियो भी है कि एशियल सर्जरी में कितना पेन होता है, उसको भी आप देख लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और उसमें यह भी बताया हमने कि कैसे दर्द को कम से कम कर सकते हैं। पर कुछ ऐसे पेशेंट भी हैं जिनका ये क्वेश्चन होता है, डॉक्टर साहब हमको बिल्कुल भी दर्द नहीं चाहिए, ऐसा ऑपरेशन करिए कि बिल्कुल भी दर्द ना हो। तो उसके लिए आज हमने एक वीडियो बनाया है जो आज का वीडियो है हमारा टॉपिक। तो देखिए, एशियल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी एक बहुत कॉमन सर्जरी हो गई है, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये दूरबीन विधि से होती है। तो ये किसी भी नॉर्मल जो फ्रैक्चर की सर्जरी होती है या फिर कोई भी जो बड़ा नी रिप्लेसमेंट या फिर कोई सर्जरी होती है उसकी तुलना में इसका जो दर्द होता है ये बहुत कम होता है। उसके कारण क्या है? क्योंकि ये दूरबीन से होता है सर्जरी, इसलिए चीरा बहुत छोटा लगता है, ब्लड लॉस भी नाम मात्र का होता है, तो कोई बहुत ज़्यादा पेन का इसमें वो नहीं होता है कि बहुत पेन होगा और बहुत ज़्यादा तड़प होगी। तो होता क्या है कि जब हम लोग एनेस्थीसिया का इफेक्ट जब जाता है हमारा, मान लीजिए जीए में हुआ फिर तो तुरंत ही ऑपरेशन के बाद, और अगर स्पाइनल एनेस्थीसिया में हुआ, पीठ में सुन के सुई लगा करके हुआ, तो ऑपरेशन से 3 से 4 घंटे बाद जब आपका दर्द आने लगता है तो धीरे धीरे आपका पेन बढ़ने लगता है और आपको दर्द की अनुभूति होती है। तो हम लोग स्ट्रांग पेन किलर्स देते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट सारे पेशेंट हमारे यंग होते हैं, इसलिए उनकी किडनी और लिवर भी ठीक होता है, तो स्ट्रांग पेन किलर देते हैं जिससे कि उनका दर्द कम हो जाए। और ज़्यादातर मरीजों में मुझे लगता है कि दर्द 12 घंटे से 24 घंटे ही रहता है, जो कि तगड़ा दर्द होता है जिसमें कि सहन शक्ति से बाहर दर्द निकलता है। तो हमारे, अगर मैं आपको बताऊं तो ऑलमोस्ट 95-96% पेशेंट हमारे ऐसे होते हैं जो कि ये बोलते हैं, डॉक्टर साहब हाँ 12 घंटे का दर्द था पर इंजेक्शन के बाद ये बेरेबल हो गया था और कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हुई थी। एक सबसेट ऑफ पेशेंट जरूर है जिनमें कि पेन परसेप्शन बहुत ज़्यादा है, जिनको कि हल्का पेन भी सहन शक्ति से बाहर लगता है, तो उनके लिए अगर आप हमें पहले ही बता कर रखेंगे कि डॉक्टर साहब हम पेन नहीं सह सकते और हमें ऐसा कुछ करिए कि बिना पेन की सर्जरी हो, क्योंकि अगर पेन ज़्यादा आपने फील किया तो आप एक्सरसाइजेस ठीक से नहीं करेंगे ऑपरेशन के बाद। जैसा कि हमने पहले बताया कि बेहोशी का असर खत्म होते ही ऑपरेशन होने के 3 से 4 घंटे बाद जैसे ही पैरों में मूवमेंट आती है उस समय ही आपको जम के एक्सरसाइज शुरू करना है, जिससे कि आपका रिजल्ट बेहतर से भी बेहतर हो, जिससे कि आपकी रिकवरी बहुत फास्ट हो। हमेशा हमने बताया है कि सुपर फास्ट रिकवरी का जो एक मूल मंत्र है अच्छी सर्जरी के अलावा, वो एक अच्छा रिहैब है। पेन होने पर रिहैब ठीक से नहीं होगा, कॉर्डिसेप्स की वेस्टिंग होगी, जंघा सूख जाएगा, घुटना नहीं मुड़ेगा और सारी प्रॉब्लम शुरू होंगी। तो इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं? तो देखिए, दो मेजर चीजें हैं। मैं ये जो आपको फैक्टर्स बता रहा हूं, जो टेक्निक बता रहा हूं, ये पेन किलर्स और पेन दूर करने वाले जो पैचेज आते हैं उनके अलावा है। क्या टेक्निक्स कर सकते हैं जिससे कि दर्द ना हो? तो देखिए, नंबर वन एक टेक्निक होती है ब्लॉक्स देना। तो ऑब्टुरेटर ब्लॉक हम लोग देते हैं जिसमें कि ऑपरेशन के बाद आपके जंघा के बाद जो मसल के नीचे जो नर्व जाती है, जिससे कि आपके घुटने में पेन सेंसेशन जा रहा होता है, उसको हम ब्लॉक कर देते हैं। अगर उसको अच्छे तरीके से ब्लॉक कर दिया गया तो आराम से करीब 12 घंटे तक आपका पेन आपको परसीव नहीं होगा, आप मूवमेंट कर पाएंगे, आपके पंजे चलेंगे, आप कसरत भी कर पाएंगे, लेकिन आपको पेन परसेप्शन नहीं होगा। इससे आप बहुत ही आराम से 12 घंटे तो आराम से निकाल लेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मेन पेन वाला ड्यूरेशन है ये इनिशियल 12 घंटे का ही होता है और उसके बाद 24 घंटे तक कुछ पेन रहता है।
तो 12 घंटे तक आपने ब्लॉक से निकाल लिया और उसके बाद तो पेन किलर दे करके अगले 12 घंटे जो कि हल्का पेन वाला है वो भी निकल जाएगा। 24 घंटे हो जाने के बाद आपको केवल नॉर्मल सी ओरल मुंह से खाने वाली पेन किलर खा करके ही काम चल जाएगा। तो ये हुआ नंबर वन ऑब्टुरेटर ब्लॉक जो कि अल्ट्रासाउंड गाइडेड हम लोग लगाते हैं। इसमें कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट भी लगता है इसलिए आपको पहले बताना होगा, वो डॉक्टर हम लोग उसके हिसाब से एनेस्थेटिस्ट को बोल के रखेंगे कि इनको सर्जरी के बाद ऑब्टुरेटर ब्लॉक भी लगाओ जिससे कि इनका दर्द ना हो। दूसरा एक और तरीका क्या है कि आपकी पीठ में हमने सुई लगाया जिसको कि स्पाइनल एनेस्थेसिया कहते हैं, तो अगर हम उसमें ही स्पाइनल की जगह एपिड्यूरल स्पेस में एनेस्थेसिया दें और वहां पर एक पाइप लगा करके उसको बाहर छोड़ दें जिससे कि हम बार बार और इंजेक्शन के जरिए दवा डाल सकें, तो इसको बोलते हैं एपिड्यूरल एनेस्थेसिया। तो एपिड्यूरल एनेस्थेसिया में सर्जरी हुई और उसके बाद उसी कैथेटर के थ्रू जो पाइप निकली है उसमें हम दर्द की सुइयां डालते रहें जिससे कि आपको पेन का परसेप्शन ना हो। इसमें एक एक्स्ट्रा एडवांटेज क्या होता है कि इसको हम लोग एक दिन से ऊपर भी रख सकते हैं, दो दिन तक भी रख सकते हैं। तो 24 से 48 घंटे एपिड्यूरल कैथेटर रख लिया गया और बिल्कुल पेनलेस रहा आपका पैर, आपको दर्द की अनुभूति होगी ही नहीं, सिर्फ आप मूवमेंट कर पाएंगे, एक्सरसाइजेस कर पाएंगे, दर्द नहीं होगा। तो एपिड्यूरल अगर हमने डाल दिया कैथेटर आपको तो आप 48 घंटे के लिए तो आराम से पेन फ्री रहेंगे और 48 घंटे के बाद जो पेन होगा वो बहुत ही नाम मात्र का होगा जो कि मुंह से खाने वाली दवाइयों से हैंडल हो जाएगा। बिकॉज 48 घंटे बाद आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी किया जाता है और आप घर जा रहे होते हैं तो एपिड्यूरल कैथेटर के साथ आपको हम घर भी नहीं भेज सकते, 48 घंटे में उसको हम निकाल भी देते हैं, जरूरी है जिससे कि इन्फेक्शन ना हो जाए वहां पर। तो ये दो मेन टेक्निक्स थी, पहला था ऑब्टुरेटर ब्लॉक जो कि इजी है, उसमें कोई भी कैथेटर डाल के नहीं छोड़ना जो कि आपका पर्पस सॉल्व कर देगा, और दूसरा अगर आप बहुत सेंसिटिव और आपको एक से दो दिन के लिए पेन रिलीफ चाहिए कि बिल्कुल दर्द ना हो तो एपिड्यूरल कैथेटर लगा सकते हैं। तो ये दोनों एडिशनल प्रोसीजर है जिसमें थोड़ा कॉस्ट गिरेगा लेकिन आप बिल्कुल पेन फ्री हो जाएंगे और आपको जरा भी दर्द नहीं होगा, अच्छे से एक्सरसाइज कर पाएंगे और आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि आपका एसियल ऑपरेशन हुआ था। तो मुझे लगता है कि ये दोनों टेक्निक से ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि सर बिना दर्द वाली एसियल सर्जरी कैसे होगी, बिल्कुल जीरो पेन वाली एसियल सर्जरी कैसे होगी और आपकी रिकवरी भी कहीं पर भी हैम्पर नहीं होगी और आप बहुत ही बढ़िया सुपर फास्ट रिकवरी कर पाएंगे और आगे एक्सरसाइजेस कर पाएंगे। तो इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट्स है पेन रिलेटेड एसियल सर्जरी के रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में लिख करके हमसे पूछ सकते हैं या जो हमारा व्हाट्सएप का नंबर है उस पर अपनी MRI शेयर करके हमसे बात कर सकते हैं, हम आपको उसका रिप्लाई देंगे। अपना ख्याल रखिए, अपने ही सेहत का ख्याल रखिए।